नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, श्रोताओ, घड़ी में 8:30 बजते ही हम हाजिर होते हैं आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स कैन प्रोग्राम लेकर। तो स्वीकार कीजिए मुकेश कुमार का नमस्कार। और आज हमने खेल खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल पत्रकार शबाब अनवर को। शबाब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको, श्रोताओं को नमस्कार। शबाब जी, जिस तरह से विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कई पदक आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल, लगातार जिस तरह का प्रदर्शन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भार वर्ग में भारतीय खिलाड़ी कभी खेले नहीं थे वहां भी अच्छा प्रदर्शन है। आप देख रहे हैं निखत जरीन को। जी बिल्कुल, और भी खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन अब तक की जो हेडलाइंस हैं वो अपने श्रोताओं को बता दें। नीतू घणघस, मनीषा मौन और निखत जरीन विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। सैफ अंडर 17 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में भारत ने नेपाल को 4-1 से हराया। वीमेंस प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 4 विकेट से पराजित किया। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल से चेन्नई में। तो सबसे पहले बात करते हैं महिला मुक्केबाजी की। नई दिल्ली में महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय मुक्केबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा। नीतू घणघस, मनीषा मौन और निखत जरीन ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। निखत ने मैक्सिको की पेट्रिसिया अल्वारेज हरेरा को 5-0 से हराया। नीतू ने ताजिकिस्तान की सुमैया कुसिमोबा और मनीषा मौन ने तुर्की की नूर एलिफ तुरहान को पराजित किया। शशि चोपड़ा जापान की माई कीटो से 0-4 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इसके अलावा कल भी भारतीय टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, तो क्या कुछ हुआ था आइए जानते हैं जागृति से। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में अपने अभियान की शुरुआत जीत से करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। लवलीना के साथ साक्षी ने भी 52 किलोग्राम में 5-0 की दमदार जीत के साथ अंतिम 8 में अपनी जगह सुनिश्चित की। लवलीना ने जहां मेक्सिको की वनेसा ओर्टिज को पछाड़ा, वहीं साक्षी ने कजाकिस्तान की जजीरा उराबियेवा को मात दी। भारतीय अभियान को हालांकि प्रीति की हार से झटका लगा, उन्हें करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। 19 साल की प्रीति ने 54 किलोग्राम वर्ग में दमदार प्रदर्शन किया, लेकिन पिछले साल की रजत पदक विजेता थाईलैंड की जितपोंग जुटामास से रोमांचक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। पिछले सत्र में 52 किलोग्राम वर्ग में पदक जीतने वाले थाईलैंड की खिलाड़ी ने प्रीति को 4-3 से मात दी। ये मुकाबला इतना करीबी था कि आखिरी नतीजे के लिए रिव्यू का सहारा लेना पड़ा। प्रीति ने आक्रामक शुरुआत करते हुए पहले दौर के मुकाबले में 4-1 से बढ़त बनाई, लेकिन अगले 2 दौर में वे लय बनाए रखने में विफल रहीं। लवलीना को 75 किलोग्राम के नए भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए पहले दौर में बाई मिली थी। उन्होंने अपना पहला मुकाबला जीतकर पदक की ओर कदम बढ़ाया। विश्व चैंपियनशिप में 2 बार की कांस्य पदक विजेता अपने मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ थोड़ी रक्षात्मक दिखी। एशियाई चैंपियनशिप 2021 की कांस्य पदक विजेता साक्षी ने अपने कद का पूरा फायदा उठाते हुए विरोधी मुक्केबाज पर जमकर मुक्के बरसाए। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। तो शबाब जी, जिस तरह से भारतीय महिला मुक्केबाज प्रदर्शन कर रही हैं, आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर भारत का महिला मुक्केबाजी में भविष्य जो उज्ज्वल नजर आ रहा है। देखिए, भविष्य तो पहले से काफी अच्छा हो चुका है। अतीत भी अगर देखेंगे, जिस तरह से विश्व मुक्केबाजी में भारतीय महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, ओलंपिक की भी अगर हम बात करें, तो पंच और कद दो चीजें ऐसी हैं जिस पर पूरी तरह से शिकंजा है। और इन दिनों में इस महिला विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भी पंच और कद की जो काफी मुकाबला है उसमें भारत के मुक्केबाज काफी आगे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें पहले से ज्यादा पदक मिलने वाले हैं भारत को। रुक करते हैं फुटबॉल का। सैफ अंडर 17 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में भारत ने शुरुआती मुकाबले में नेपाल को 4-1 से हरा दिया है। मैच के 10वें मिनट में शिलजीत शाजी ने गोल कर भारत को बढ़त दिलाई। तो आइए सुनते हैं विशाल की रिपोर्ट। 18 मार्च से बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बीएसएसएम स्टेडियम में खेली जा रही सैफ अंडर 17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला अंडर 17 फुटबॉल टीम ने कल जीत के साथ शुरुआत की। भारत ने पहले मैच में नेपाल को 4-1 से पराजित किया। इसमें गुमला आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र झारखंड की शिवानी टोप्पो ने महत्वपूर्ण गोल किया। इसके अलावा भारतीय टीम के लिए सिलजी साजी ने हैट्रिक लगाई। 29 मार्च तक खेली जाने वाली इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम 24 मार्च को मेजबान बांग्लादेश के साथ खेलेगी। गौरतलब है कि भारतीय टीम में झारखंड से 7 बालिका फुटबॉलर शामिल हैं। इनमें शिवानी टोप्पो, साउलीना डांग, विकसित बाड़ा, अनीशा उरांव,
बबीता कुमारी, निशिमा कुमारी और ललिता बप्पाई जैसी खिलाड़ी हैं। विजेता टीम के खिलाड़ियों को खेल सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक डॉक्टर सरोजनी लाकड़ा, उप निदेशक देवशंकर दास, देवेंद्र सिंह, झारखंड फुटबॉल संघ के पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी, जेएसएसपीएस के पदाधिकारी, राज्य के प्रशिक्षण केंद्र के कोच समेत राज्य के खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों ने बधाई दी है। शबाब जी, जिस तरह से महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, पहले मुक्केबाजी और अब फुटबॉल, यहां भी महिलाओं का दबदबा देखने को मिला। जी हाँ, पिछले एक हफ्ते 15 दिन से हम देख रहे हैं कि भारतीय खेल में महिलाओं का दबदबा है। और बात झारखंड की हो रही है तो एक बहुत ही खुशी की बात यह है कि अब तक झारखंड के जो कबायली इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, वहां से हॉकी खिलाड़ी महिला में निकल जी, पुरुष में भी आप जानते हैं, लेकिन एक सेंटर से अगर 7 खिलाड़ी भारतीय टीम में अपनी जगह बना रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अब झारखंड के इलाके से अब हॉकी की जगह फुटबॉलर भी निकल रही हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और जब भी अंडर 17 की प्रतियोगिता हुई है पिछले 4-5 वर्षों में तो भारतीय महिला टीम ने काफी शानदार प्रदर्शन किया है। और खेल की जब बात आती है, जनजातीय इलाकों से जो खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं उनमें स्टेमिना भरपूर होता है, क्योंकि उनका जो रहन सहन है और जो उनका सब कुछ होता है, वातावरण होता है, उसमें मजबूती काफी बढ़ जाती है। जी हमने हॉकी में देखा, हॉकी काफी मुश्किल खेल है, कमर के बल झुक के खेलना पड़ता है जी। और उसमें आपने वहां छोटा नागपुर, संथाल परगना और जनजातीय इलाकों के खिलाड़ियों को आपने देखा कितनी जबरदस्त तन्मयता है जी, एकाग्रता है, फुर्ती है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि एक प्लस पॉइंट होता है और यही कारण है कि सुदूर इलाकों से खिलाड़ियों को खोजने की भारत सरकार की भी एक कोशिश है, जो कि खेलो इंडिया के रूप में हम सब जानते हैं। तो काफी सार्थक प्रयास मिले हैं, न केवल झारखंड से बल्कि और भी जो उत्तर पूर्व के जो इलाके हैं, दूसरे इलाके हैं, वहां के भी सुदूर और ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों से काफी अच्छी संख्या में खिलाड़ी मिल रहे हैं। उनके पास स्किल तो है ही है और जैसा आपने जिक्र किया है कि प्लस पॉइंट ये है कि उनके पास गति है, ताकत है। बिल्कुल। और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज संसद में कहा भी है कि खेल की दिशा में जो भारत सरकार के प्रयत्न हैं उनके परिणाम भी सामने आ रहे हैं और खेलों को भरपूर बढ़ावा दिया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कहा है कि सभी क्षेत्रों में परिवर्तन और डिजिटलीकरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय युवा शक्ति के उचित उपयोग का है। दिल्ली में फिक्की ग्लोबल यंग लीडर्स समिट में श्री ठाकुर ने कहा कि भारत में युवा तेजी से वैश्विक सामाजिक आर्थिक समस्याओं का स्थानीय समाधान ढूंढने में आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा भविष्य के निर्माता हैं और उनका जोश, जीवन शक्ति और जीवंतता अद्वितीय है। निश्चित तौर पर अनुराग सिंह ठाकुर का और भारत सरकार का खेलों के प्रति जो समर्पण है और जो प्रोत्साहन है, काबिले तारीफ है। मुकेश जी, जब भी मैं इस कार्यक्रम में आया हूं, हमेशा मैंने ये कहा कि 2014 के बाद हमारे देश में खेलों की स्थिति बदली है और उसका कारण ये है कि जिस तरह का प्रोत्साहन सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जी की ओर से हमारे खिलाड़ियों को मिल रहा है पिछले कुछ वर्षों में अगर देखा जाए जी। तो उससे जाहिर सी बात है काफी हौसला बढ़ा है। हर खिलाड़ी, मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को बुला करके मिल मुलाकात करना, उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन करना और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से 29 अगस्त का खेल सम्मान समारोह, उसका विस्तार किया गया केंद्र सरकार द्वारा और जिसकी चर्चा हम लोग बार बार करते हैं कि खेलो इंडिया से भारतीय खेल को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रारूप भी बदला गया है और कुल मिलाकर जितने भी सेंटर्स हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के जो सेंटर्स हैं उनमें विशेष रूप से काफी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि अंडर 17 फुटबॉल में किस तरह से गुमला के एक सेंटर की लड़कियां वहां शामिल की गई हैं। पहले वहां सिर्फ हॉकी खिलाड़ियों की खोज होती थी लेकिन अब महिला फुटबॉलर मिली हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और बात करते हैं खो खो की। चौथी एशियाई पुरुष और महिला खो खो प्रतियोगिता कल से असम के बक्सा में शुरू हो गई है और इसका ताजा अपडेट जो है वो हमारे गुवाहाटी संवाददाता ने बताया है कि भारतीय महिला टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आज भारतीय टीम ने मलेशिया को एक इनिंग और 64 अंकों से हराया है, बड़ी जीत दर्ज की है। निश्चित तौर पर भारतीय खिलाड़ियों के लिए, भारतीय प्रशंसकों के लिए बहुत बड़ी खबर। जी हाँ, उसमें भी महिला खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। कबड्डी के बाद खो खो, दोनों में भारत का जो प्रभुत्व है वो पूरी तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसका कारण ये है कि इसकी जो राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं काफी बड़े स्तर पर की जाती हैं, वहां से खिलाड़ी काफी संख्या में निकल रहे हैं। तो कहा गया है कि डोमेस्टिक स्पोर्ट्स आपका अगर पूरी तरह से संतुलित है तो फिर जब राष्ट्रीय टीम का निर्माण होता है तो उसमें इसी तरह के खिलाड़ी आते हैं और रिजल्ट भी वैसा ही होता है।
बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट मिलता है। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस प्रतियोगिता में बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नेपाल, दक्षिण कोरिया और श्रीलंका की टीम शामिल है। इसके अलावा बांग्लादेश की टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। रुक करते हैं क्रिकेट का। मुंबई में वीमेंस प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर को 4 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने जीत के लिए 126 रन का लक्ष्य 16 ओवर और 3 गेंद में हासिल कर लिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 125 रन बनाए। मुंबई इंडियंस की जीत किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुंबई इंडियंस जो लगातार इस फर्स्ट एडिशन है WPL का शानदार प्रदर्शन कर रही है, फाइनल में लगभग कदम रख चुकी है जी। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जो दूसरा मुकाबला यूपी वॉरियर्स और जो दिल्ली की टीमों के बीच हो रहा है वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आज एक फाइनलिस्ट मिलने वाला है फर्स्ट WPL का। अगर दिल्ली की टीम जीत जाती है इस मुकाबले को तो वो बेहतर रन रेट के आधार पर फाइनल में पहुंच सकती है और फिर दूसरे फाइनलिस्ट के लिए हमें 24 मार्च तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मुंबई में ही एक अन्य मैच में यूपी वॉरियर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से हो रहा है। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। यूपी वॉरियर्स ने ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 16 ओवर में 94 रन बना लिए हैं। किस तरह का स्कोर मानते हैं इसे? ये स्कोर निश्चित रूप से दिल्ली जैसी शक्तिशाली टीम के विरुद्ध अच्छा नहीं है और जैसा कि हमने कहा कि दिल्ली इस मैच को जीतकर फाइनल में प्रवेश करने जा रही है, लगभग अगर ये कहा जाए, अगर वो जीत लेती है तो एक WPL का एक फाइनलिस्ट आज मिलने जा रहा है। और क्रिकेट की ही बात को जारी रखते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल चेन्नई में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर बाद 1:30 बजे से शुरू होगा। 3 मैचों की श्रृंखला रोमांचक मोड़ पर आ गई है। दोनों टीम एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। विशाखापट्टनम में दूसरे एक दिवसीय मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हराया था। निश्चित तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था, बहुत बड़ा झटका था। और अगर सीम और फिर कंडीशन से थोड़ा वातावरण भारी होता है तो उसमें किस तरह से बल्लेबाजी करनी चाहिए और किस तरह से ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज घातक साबित होते हैं, इसका एक नजारा हमें देखने को मिला है। और हमें याद रखना चाहिए कि भले ही विश्व कप ODI का भारत में है, लेकिन भारतीय जो टेस्ट टीम को ओवल में ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन चेन्नई से खबर यह आई है जी कि वहां मैच शुरू होने से पहले हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि 32 डिग्री तापमान की बात कल कही जा रही है, गर्म शहर तो है ही है वो, लेकिन बारिश आमतौर पर चेन्नई में होती नहीं है। लेकिन पूर्वानुमान मौसम विभाग का है कि मैच शुरू होने से पहले कुछ बारिश हो सकती है और ऐसा अगर हुआ टॉस बहुत महत्वपूर्ण होगा और फिर वही ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जिसने 5 विकेट लिया था, भारत को संभल कर अपना जो प्लेइंग 11 है उसे तैयार करना पड़ेगा। कुल मिलाकर तीसरा मैच निर्णायक ही साबित होगा। या दोनों बात करते हैं निशानेबाजी विश्व कप की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज ISSF निशानेबाजी विश्व कप का भव्य उद्घाटन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के अध्यक्ष लुसियानो रॉसी और भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष रणिंदर सिंह उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। तो आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा आयोजित विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप का रंगारंग शुभारंभ हुआ। विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में 30 देशों के करीब 200 निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। पदक के लिए मुकाबले कल से शुरू होंगे। यह देश में नई दिल्ली के बाहर आयोजित होने वाला अब तक का पहला निशानेबाजी विश्व कप है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने निशानेबाजी अकादमी में फाइनल शूटिंग रेंज का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने भोपाल के पास बरखेड़ा नाथू में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का भूमि पूजन भी किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि खेल जीवन का अंग है, ये हमें स्वस्थ और प्रसन्न भी रखते हैं। उन्होंने कहा कि खेलों के बिना जिंदगी अधूरी है। श्री चौहान ने कहा कि हम भोपाल को स्पोर्ट्स हब बना रहे हैं जहां खेलों के लिए हर बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। ISSF के अध्यक्ष लुसियानो रॉसी कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे, जबकि मध्य प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया और नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रणिंदर सिंह भी इस समारोह में उपस्थित थे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। और जाने से पहले अपने श्रोताओं को बता दें कि स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट स्विट्जरलैंड के बासिल में शुरू हो गया है। मुख्य मुकाबले कल से खेले जाएंगे। भारतीय अभियान की शुरुआत पीवी सिंधु करेंगी। तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने खेल खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था हमारे वरिष्ठ खेल पत्रकार शबाब अनवर को। शबाब जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी खबरों पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी। तो श्रोताओं, इसी के साथ मुकेश कुमार और पूरी स्पोर्ट्स कैन टीम को दीजिए आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत। आप बने रहिए समाचार संध्या के साथ। नमस्कार।